हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एनजेड फंक्शन के बारे में। बहुत ही कमाल का फंक्शन है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो एंजॉय दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है, तो यहाँ से 2007 वर्जन ओपन करता हूँ। ये परेशानी आपको 2007 वर्जन में ही ज्यादातर आएगी, क्योंकि बात करें अर्लियर वर्जन की तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे 2016 मैं यूज करता हूँ तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप जो है जीरो लिख के आ जाता है, यहां पर नहीं आता है, तो इसी में बात करेंगे। तो अब देखिए यहां से क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूं, यहां पर आ जाएंगे डिजाइन व्यू पर, और यहां पर चूंकि एनजेड फंक्शन यूज कर रहा हूं तो एनजेड फंक्शन के ही नाम से ये टेबल मैं बना दे रहा हूं। तो ये एनजेड फंक्शन लिख दिया हमने, यहां पर आईडी आ रही है, आईडी को ऑटो नंबर ही रखते हैं। यहां पर एक फील्ड नेम मैं ले लेता हूं, नम वन ले लिया, फिर यहां पर एक फील्ड ले लेता हूं, नम टू ले लिया, और एक और फील्ड लेंगे हम टोटल, यानी नम वन में पहली वैल्यू, नम टू में दूसरी वैल्यू, और इसमें टोटल रखने वाले हैं हम। तो सब में इन सबको हम डबल बना लेंगे। ये जो दिख रहा है ना, इसको पहले नंबर बनाएंगे, डेटा टाइप इसका चेंज करेंगे, और ये नंबर बनाने के बाद यहां से इसको डबल रखेंगे ताकि हम डेसिमल में भी वैल्यूज एंटर कर पाए। इसके बाद यहां से टेक्स्ट पे जाकर के टेक्स्ट को भी नंबर बना लिया, और यहां से फिर हम इसे डबल रख लेंगे ताकि डेसिमल में वैल्यूज एंटर कर पाए और हमारा आंसर भी डेसिमल में आए। इसके लिए जरूरी है कि टोटल को भी हम डबल बना ले। इतना करने के बाद व्यू पे क्लिक कर दीजिए। व्यू पे क्लिक करते ही ये सेव करने के लिए बोलेगा। सेव करने के बाद ये इस तरह से कुछ सिनेरियो आपको डिस्प्ले होगा। यहां पर क्रिएट पर जाएंगे और क्वेरी बना लेते हैं। तो क्वेरी बनाने के लिए हमें जाना होगा क्वेरी डिजाइन पर, क्वेरी डिजाइन पे जाकर के, और यहां से एनजेड फंक्शन ले लिया हमने। और एनजेड फंक्शन लेने के बाद हमें किन किन चीजों की जरूरत है, हमें नम वन की जरूरत है, नम टू की जरूरत है और टोटल की जरूरत है। ये टोटल ले लिया हमने, यहां तक आ गए हम। यहां पर कोलन लगा लिया, कैलकुलेशन करना है, नम वन स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, स्क्वायर ब्रैकेट फिर ओपन किया, नम टू ये हमने कर लिया। और यहां से अब फिर रन पे क्लिक करता हूं तो ये हमारी क्वेरी भी बन करके तैयार हो गई। यहां पर कुछ लिखता हूं 56 और यहां पर लिखता हूं 5.6, तो इन दोनों को एड करके ये दे दे रहा है। अगर मैं यहां पर कोई और वैल्यू डालता हूं 78 और यहां पर 1, तो इसको भी ये ऐड कर देता है। इसी तरह से अगर हम दोनों डेसिमल वैल्यूज रखना चाहें तो ये भी ये ऐड करके हमें दे देगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर ऐड करके ये दे दे रहा है। चलिए इसको सेव कर लेता हूं क्वेरी वन के ही नाम से। अब जो हमारा एनजेड फंक्शन है वो कैसे काम करेगा, मान लीजिए इसी क्वेरी में अगर हम यहां 5 लिखते हैं और यहां कुछ भी नहीं लिखते तो यहां क्या आंसर आएगा, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, यानी ये आंसर देगा ही नहीं। जैसे यहां 4.5 लिख लिया और यहां पर कुछ लिखा ही नहीं तो यहां पर भी आंसर ये नहीं देगा। यहां पर अगर कुछ नहीं देते हैं और यहां पर कुछ दे देते हैं तो भी ये आंसर नहीं देगा हमें। ये प्रॉब्लम आती है, एनजेड फंक्शन इन सारे प्रॉब्लम्स को रिप्लेस कर देगा। कैसे रिप्लेस करेगा ये देख लेते हैं। यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे, ये जो टोटल लिखा है इसके ठीक पहले आप लगा दीजिए एनजेड, यहां पर लगा देता हूं एनजेड, लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट बना लिया, और यहां पर नम वन जहां पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया है इसके ठीक बाद कॉमा दीजिए, फिर यहां पे आपको क्या करना है जीरो देना है, जीरो दे दिया और ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, यानी स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक है, इसको थोड़ा विड्थ बढ़ा लेता हूं और बेहतर तरीके से देखने के लिए। यहां पर भी आपको एनजेड फंक्शन यूज करना है, यानी एक तरह से नेस्टेड एनजेड फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया हमने, फिर यहां पर कॉमा देंगे और फिर कॉमा देने के बाद जीरो दे देंगे और इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, क्लोज कर दिया। अब हमें क्या कर रहा है, अब हमें सिंपल ये रन पे क्लिक करना है, रन पे क्लिक किया और यहां पर देख सकते हैं जिन जिन फील्ड्स में मैंने वैल्यूज नहीं दी हैं उनका भी टोटल होकर आया है। यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई भी नंबर आप लिखिए, जैसे 6.5 लिख दीजिए, तो यहां पर 6.5 के बाद अगर दूसरे फील्ड में कोई भी वैल्यू आपने नहीं दी है तो यहां पर उसका भी टोटल होकर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान सा तरीका है अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूं ये सॉफ्टवेयर बनाने में आपकी काफी हेल्प करेगा। ये देखिए यहां पर दोनों को अगर एक वैल्यू दे दिया हमने और दूसरी वैल्यू नहीं दिया तो ये ऐड कर देगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और एनजेड फंक्शन से आपका काफी काम आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।